आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। खबर है राजनांदगांव के छुईखरान का, जहां पर पुलिस ने केबल चोरी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चारों आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है, जिसके कब्जे से एबी केबल तार करीब 714 मीटर व 3 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। चोरों ने विद्युत विभाग में कार्य करते हुए घटना को अंजाम दिया है, जिस पर पुलिस ने चारों के खिलाफ अपराध एवं धारा छत्तीसगढ़ विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दर्ज कर गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय राजनांदगांव व किशोर न्यायालय राजनांदगांव में पेश किया है। अभी और प्रकरणों में माल की जब्ती होना बाकी है, जिस पर विवेचना जारी है। चारों उदयपुर थाना छुईखदान निवासी दिलीप वर्मा के घर किराए के मकान में रहकर विद्युत विभाग में कार्य कर रहे थे। क्षेत्र में लगातार विद्युत केबल की चोरियां हो रही थी, इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद से हमने पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ा दिया था, और पेट्रोलिंग के दौरान ही पता चला कि इसमें कोई जो ठेकेदार के लोग हैं काम करने वाले, वो हम लोग को पता चला कि इन लोग रात में घूमते हैं। उसी के आधार पर उन लोगों से पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान इन लोग ने कबूल किया कि लगभग 6 से 7 जगह पर विद्युत केबल को काटकर चोरी की है, जिसमें लगभग 700 मीटर हम लोगों ने केबल जब्त किया है। चारों रात में बिजली को बंद कर बिजली तार कटर से केबल तार की चोरी करते थे। चारों ने ग्राम कोड़का खार, गिरघोली खार, भरदा गोड़, कोराय बिडोरी, आमा घाट कांडा, उदयपुर, सीता डबरी, खैरा नवा पारा में चोरी को अंजाम दिए थे। चारों ने विद्युत विभाग में कार्य करते हुए घटना को अंजाम दिया है, जिस पर छुईखदान पुलिस ने बिहारी लाल यादव, पिता मनोहर लाल यादव, उम्र 26 वर्ष, पड़गड़ी थाना करीमा जिला सरगुजा, साई राज यादव, पिता पुरुषोत्तम यादव उम्र 20 वर्ष करौंदी थाना जिला सरगुजा, सरोज कुमार यादव, पिता नंदलाल यादव उम्र 23 वर्ष बरदा थाना लवन जिला बलौदा बाजार एवं नाबालिग शामिल है। राजनांदगांव के छुईखदान से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।